यूपी चुनाव में कितना होगा असर? योगी जी हैं, बहुत कठिन है, सेट नहीं। अरे सन ऑफ मल्लाह का शाहरुख खान वाला कनेक्शन। मैं अपने लोगों के लिए तो शाहरुख खान हूँ। मुकेश सहनी किसकी लगाएंगे नैया पार? वीआईपी वाली नाव किसे डुबाएगी? बीच मझधार। जब काम नहीं होगा तो बीच मझधार में जाकर पलट दे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड वाले नेताजी की यूपी चुनाव में एंट्री। हवा से जमीनी रुख हांपने वाले मुकेश सहनी। आई नहीं, आप तो उड़ रहे हैं। लोग कहते हैं बिहार में कि बहुत उड़ता है, बहुत उड़ रहा है। मुकेश सहनी का 2022 वाला पूरा प्लान। बड़े शो अध्यक्ष जी में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या के राम मार्ग से लखनऊ के राजमार्ग तक का सफर इनका कैसा होगा, पूरा जानने के लिए चलते हैं सन ऑफ मल्लाह के साथ चाणक्य की धरती से राम की धरती तक, गंगा किनारे से सरयू तट तक। जी हां, दावे बहुत सारे हैं, सफर हवाई है, बातें भी हवा हवाई हैं, या है कुछ जमीन पर। धरती से लेकर आसमान तक सब कुछ दिखाएंगे, सब बताएंगे। तो चलिए हमारे अध्यक्ष जी के साथ। साल 1999, 19 साल का एक किशोर बिहार के दरभंगा के सुपोल बाजार गांव से बड़ा सपना देखता है। पवन एक्सप्रेस पर बैठकर भागता है माया नगरी मुंबई। वहां उसको कोई जानने वाला नहीं, फुटपाथ पर सोता है, खाने का कोई ठिकाना नहीं। एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता है। फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उसमें एक लेबर का काम करता है सेट पर जाकर। फिर वहां सुपरवाइजर बनता है, इंचार्ज बनता है, फिर सप्लायर बनता है, फिर ठेकेदार बनता है, फिर सेट डिजाइनर बनता है, और दबंग, बजरंगी भाईजान, बहुत सारी बड़ी फिल्मों का सेट डिजाइन करता है। बॉलीवुड का ये सेट डिजाइनर बिहार आता है अपने गृह प्रदेश में, और वहाँ आने के बाद 2018 में पार्टी खड़ा करता है और 2020 में कैबिनेट मंत्री बन जाता है, 4 सीटों पर चुनाव जीतता है। तो बिहार की राजनीति में बॉलीवुड के सेट डिजाइनर ने अपने को सेट कर लिया, अब यूपी में अपने को सेटिंग में लगे हुए हैं। और बिहार में एनडीए के साथी हैं, लेकिन यूपी के एनडीए में अपनी वीआईपी एंट्री चाहते हैं। जी हां, हमारे साथ मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि यूपी में कैसे सेटिंग होगी। यूपी में देखिए, हम किसी के साथ सेटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, ना ही मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मेरे पास जो 15% वोट है, उसका अधिकार हमें चाहिए। हमारी लड़ाई मुख्य है कि निषाद को आरक्षण मिले, और उसके लिए हमने बिहार में लड़ाई लड़कर और राजनीति का शिखर तक हम लोगों ने मंजिल प्राप्त किया। अभी हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हम लड़ाई लड़े और यहाँ पे भी हम अपने वजूद को कायम करें। तो इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे किसी से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मेरे आवश्यकता किसी को पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे किसी का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो वीआईपी नहीं, लोग कहते हैं कि आप ग्लैमर और पैसे के दम पर राजनीति करते हैं। देखिए, अगर ये है तो इसको उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? अगर है तो उपयोग करना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग करते हैं। और हम पिछड़े के बेटा और एक मल्ला के बेटा के पास अगर ये चीज है तो उपयोग करना चाहिए। एक समय था कि रहने के लिए घर नहीं था, फुटपाथ पे सोते थे, खाने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं था, और मैंने संघर्ष के बदौलत ये सब चीज मैंने हासिल किया मुंबई में, उसके बाद बिहार में। आज लड़ाई लड़के हमारे लोग जो हमें
एक अच्छे जगह पे पहुंचाया है, तो उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और मेरा उत्तर प्रदेश 2022 में लड़ाई है कि 165 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन, नहीं गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और इसके ना लेके हम लोग मैदान में उतरेंगे और 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपने राजनीति में बहुत कुछ नया किया, आपने पूरे फ्रंट पेज पे अपना इश्तेहार छपवाया, विज्ञापन दिया अपना पार्टी का, ये आपकी शैली थी। जब आप आए तो हेलीकॉप्टर लेकर गांव-गांव घूमने की शैली भी आपकी, सन आप मल्लाह जैसे शब्दों का प्रयोग भी आपने राजनीति में किया। बहुत सारे लोग अपने को सन आप डोम, सन आप यादव, तमाम जाति सूचक शब्द लगा के करते हैं, ये सब आपकी स्टाइल है। और बड़े स्टाइल में ये ऐसे आपने फोटो खिंचवाया था जिसकी नकल बहुत सारे राजनेता भी करने लगे, तो ये नई नई जो स्टाइल है जिसके जनक हैं आप, ये फिल्मी दुनिया में जो सेट डिजाइन करते थे वहां से सीखा है क्या? निश्चित तौर पे मैं फिल्म नगरी से मैं आया हूँ, और वहाँ पे आपको पता है कि पहले पिक्चर जो है पेपर पे बनता है, उसके स्क्रिप्ट बनता है, उसके बाद फिल्म आया जाता है। तो यही नगरी से आए हैं और बहुत सारा नॉलेज वहाँ से मैंने लाया, और मुझे पता है कि लोग आपको क्यों पसंद करेंगे, क्यों लाइक करेंगे, क्यों आपके पीछे जाएंगे। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको उपयोग करना रहता है। जैसे एक गरीब मल्ला का बेटा हेलीकॉप्टर से घूमे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये मैंने लोगों को बताया कि आप ही बड़ा बन सकते हो, मेहनत ईमानदारी से काम करोगे तो बड़ा आदमी बन सकते हो, और एक गरीब का भी बच्चा हवा में उड़ सकता है, ये मैंने उनको मैसेज देने का काम किया। पेपर में जहाँ तक की बात है, तो अपनी बात को गांव-गांव तक लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने इसको उपयोग किया, क्योंकि हम जैसे लोगों को, गरीब लोगों को टीवी मीडिया सब चीज़ बहुत इग्नोर करते आए हैं, और आज जाके थोड़ा आप जैसे अच्छे पत्रकार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो पहले बहुत कोसों दूर था ये सारे चीज़ें से। आई नहीं, आप तो उड़ रहे हैं, लोग कहते हैं बिहार में कि बहुत उड़ता है, बहुत उड़ रहा है, तो आप भी उड़ रहे हैं। राजनीति में लोग कहते हैं आपको, जो आपके विरोधी हैं, कि बहुत हवा में उड़ रहा है, तो हवा में तो उड़ ही रहे हैं आप, देखिए। निश्चित तौर पे लगातार हवा में उड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे विरोधी है तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। और बिहार में आने वाले समय में एक नया जनरेशन आने वाला है, जिस जनरेशन में मैं हूँ, चिराग पासवान है, तेजस्वी है, कन्हैया जी है, और तेज प्रताप है, तो ये नया जनरेशन है, और ये आने वाले 2025 में दिखेगा, और मेरा मानना है जिसमें दम होगा वो एक नंबर के कुर्सी पे बैठेगा। तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। लोगों को विरासत में राजनीति मिला है, सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम तो गरीब घर में जन्म लिए हैं और अपनी दुनिया मैंने बनाया है, और भी अपनी दुनिया बनाने के लिए रोज कहीं ना कहीं डेरा डालते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा पड़ाव होगा। तो मैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, 5 राज्य में आने वाले समय में मैं काम करने वाला हूं। राजनीति में बहुत हिचकोले आपने खाए, ये हेलीकॉप्टर भी हिचकोले ले रहा है, डर लग रहा है? नहीं नहीं, आदत पड़ चुका है, हेलीकॉप्टर पे गुरूर के आदत पड़ चुका है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। आपकी आदत पड़ गई है, लेकिन हम लोगों की आदत नहीं है। तो जैसे हिचकोले होते हैं, आपको तो राजनीति के हिचकोले भी सहने की आदत पड़ गई है। और ये जब ऐसे ऐसे कर रहा है तो मैं और मेरा छायाकार भी हिलने लग रहा है। नहीं, इसमें मुझे ज्यादा भय नहीं है, लेकिन राजनीति में लोग परेशान करते हैं, और राजनीति में आपको 24 घंटा आपको कान और आंख खोल के रखना है, और हर समय सिचुएशन को सामना करने का आपके शक्ति होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। तो राजनीति में मैं जमीन पे उतर के उसमें मैं एकदम ध्यान रखता हूँ, बाकी इस पे तो आराम है। और अभी हम बनारस में थे, कुछ ही देर में, आधे घंटे में हम लोग अयोध्या पहुँच जाएंगे, और कुछ ही देर में मैं पटना पहुँच जाऊँगा, तो ये सब चीज़ें तो सहूलियत के लिए है। हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक है तो छीन लो हकदार की तरह।
ये वीआईपी की वेबसाइट पर है और वीआईपी के मुखिया अयोध्या की भूमि पर पहुंच चुके हैं। आप बताइए कि वीआईपी तरीके से यूपी चुनाव में आप जो कोशिश कर रहे हैं, हवाई सफर कर रहे हैं, तो यूपी की जनता आपके इस वीआईपी तरीके पर क्यों विश्वास करे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ निषाद समाज समुदाय के सभी उपजाति बिंद बिलदार नुनिया मला निषाद के सभी उपजाति को बीच में मैं आ रहा हूं और मुझे पता है कि मैं आज कोई शाहरुख खान तो दिख नहीं रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनता हर जाति धर्म के लोग हमारे पीछे आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि निषाद का हर एक बेटा के लिए मैं आज शाहरुख खान हूँ, हर निषाद के बेटा के लिए मैं सलमान खान हूँ। और बिहार में जिस तरीके से मैंने नारा दिया था उसी तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से निषाद के बेटा ने हक अधिकार के लिए संघर्ष किया और बिहार में सरकार अपना बनाया और हिस्सेदारी लिया और मजबूती से जो कल तक हमारे समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को बिता देता था, आज बिहार में निषाद के बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा है। तो ये ताकत हमने उत्तर बिहार में बनाया है और उत्तर प्रदेश के निषाद इसी तरीके से निगाहें डाल के रखा है कि हमारे सनफ मल्ला उत्तर प्रदेश में आके अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन सनफ मल्ला के पास आज कोई तरह का कोई कमी नहीं, ऊपर वाले की कृपा से सब चीज़ हमारे पास है। आज से मैं काम धंधा बंद कर दूँ तो मेरे आने वाले कई पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं, तो मैं वो आज संपन्न हूँ और मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए मैं न्याय लूँ और उसके लिए लड़ाई लड़ के उसको मंजिल तक पहुँचाओ। हमारे पास वोट इतना है, 165 जगह लड़ेंगे, जो लोग हमारे समाज को वोट को जागीर समझ रहा है तो वो लोगों को आने वाले समय में समझ में आ जाएगा कि ये वोट वीआईपी के साथ है। हम कितना सीट लड़ेंगे जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लड़ेंगे 165 सीट तो कम से कम 75 सीट अगला को हारना पड़ेगा, उसको हारना पड़ेगा जो हमारे समाज को खरीदना चाहता है, एक एमएलसी का टिकट पे खरीदना चाहता है, एक सांसद के टिकट पे खरीदना चाहता है। कौन खरीदना चाहता है? वो दुनिया को जग जाहिर है, सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे समाज को खरीद ले रहा है। तो उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो या मुकेश सहनी हो, इसको खरीदने से कुछ नहीं होगा, समाज को न्याय करना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। मैं खुले मन से मैं कहता हूँ कि आपको समाज के लिए अगर मुझे लगेगा कि हमारा आपका नेता गलत कर रहा है तो आप मेरा भी साथ छोड़ देना, जब तक आपको लगे कि आपका नेता आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है तब तक आप मेरा साथ देना। तो वही नीति के साथ मैं आज उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद भाई मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है। मेरे पास अपना बेस वोट जाति का वोट है। लोग कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति करता हूँ, मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं अपने घर परिवार की राजनीति करता हूँ। ये जो निषाद जो है ना, ये मेरा अपना परिवार है, इनका मैं बेटा हूँ, ये हमारे माँ बाप है, मैं इनका सरबन के जैसे मैं इनके लिए काम करना चाहता हूँ। जाति तो मेरे लिए यादव जी है, ब्राह्मण समाज से है, ये लोग हमारे लिए जाति हैं कि इनके साथ कल मेरा बेटा का भी शादी करना तो यही समाज में शादी करना, बेटी को शादी करना तो यही समाज में करना, और ये जो समाज है वो हमारा अपना परिवार है। तो मेरा मानना है कि मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। एक सवाल है कि आप पाटलिपुत्र से चलकर आए हैं, सनफ मल्ला अपने को कहते हैं, अयोध्या संदेश क्या है, अयोध्या से क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या में यही संदेश देना है, श्री रामचंद्र जी के धरती पे आया हूँ मैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारे पूर्वज ने नैया आपको पार लगाया था, आज हमारे समाज का नैया मझधार में पड़ा है, आपका जो लोग लेके घूम रहे हैं उनको बताइए, उनको थोड़ा सा समझाइए कि आपको एक रोज जिसने पार लगाया था वो आज मझधार में फंसा है, उनको आप पार लगवाइए, नहीं तो फिर हमारा समाज का अगर मन टूटा, भरोसा टूटा, तो आने वाले समय में हम अपने नाव पे लोगों को तो बैठाएंगे, जब काम नहीं होगा तो बीच मझधार में जाकर पलट देंगे, और उसमें क्या होगा किसका होगा वो फिर आप समझिएगा। पलट देंगे निश्चित तौर पर, जब अगर हम अगर किसी के साथ अगर इज्जत से आगे बढ़े और उनको अगर हमें सत्ता में लाते रहें, आज आज़ादी से लेकर अब तक हमेशा जय श्री राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हर तरह के मैंने नाम पे लोगों को सत्ता तक पहुंचाया, तो आज हम क्यों सत्ता से बाहर है, हमारा इशू क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, संजय निषाद यहाँ कर तो रहे हैं कि आप आए हैं, आप लोगों को भरमा रहे हैं, यही अगर कर रहे हैं तो ये बात समझ रहे हैं, अच्छी बात है, लखनऊ वाला समझे कि किसी एक व्यक्ति को एमएलसी बना देने से अगर समाज का अगर कल्याण है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऐसा ही सोचते रहे और हम तो ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो ऐसा ही सोचते रहे, एक आदमी को खरीद ले और तो प्रदेश में करें। आपको नहीं लग रहा है कि संजय निषाद आपके समाज की लड़ाई क्या कर रहे हैं? आज अगर लड़ाई लड़ते तो आज बड़े बड़े नेता को अपने घुटने के नीचे झुका देता, आज मैं एनडीए में रहकर बिहार में मैंने सीधा बोल कर क्या रहे हैं,
आज वो कहीं ना कहीं सही बताइए, वो कर यही रहे हैं कि अपने परिवार के लिए रह रहे हैं। एक बार बेटा को सांसद बनाया हमारे अखिलेश निषाद जी का, यहाँ पे हमारे ये अखिलेश निषाद जी के पिताजी हैं आत्माराम जी, इनका बेटा शहीद हुआ था 2015 में निषाद आरक्षण के आंदोलन में शहीद हुआ था रेल रोको आंदोलन में। और जब 2018 में जब चुनाव लड़ने की बात आया तो अखिलेश जी ने इनको भी ऑफर किया था कि इनको लड़ा दिया जाए। हमने खुद संजय निषाद को कहा कि आत्माराम जी को चुनाव लड़ा दीजिए, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरा बेटा आंदोलन में मरा है, मैं समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। इन्होंने सांसद का कुर्सी छोड़ दिया और वही उसी जगह पे डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपने बेटा को सांसद बना लिया। चलो कोई बात नहीं, एक जगह बना लिया। 2019 में आप 2019 में जब मोदी जी को देश में राज करना था उस समय एक और टिकट पे समझौता कर लिया, लेकिन बिहार में हमने 3 सीट पर गठबंधन किया, परिणाम अच्छा नहीं हुआ, हार गए। लेकिन 2022 में लोग झुका मेरे सामने, मैं किसी के पास आज तक गठबंधन करने के लिए नहीं गया, लोगों ने मेरे पास गठबंधन करने के लिए आया। आज बिहार में हम एनडीए के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है और मैंने समर्थन देकर सरकार चला रहा हूं। संजय निषाद पर आरोप लगाते हैं कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ निश्चित तौर पे वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करते और एक टिकट पे समझौता कर लेता। आप बताइए एक टिकट पे कोई समझौता करता है क्या, वो भी अपने परिवार के लिए। आपके उत्तर प्रदेश के लाखों निषाद आपको क्यों आगे बढ़ाना चाहता है, आपको क्यों आगे बढ़ाना चाहते, क्योंकि समाज का आंदोलन है, निषाद को आरक्षण दिलाना है और आरक्षण हमें मिला हुआ है, सिर्फ लागू करना है। तो इस ये नीति के साथ आपको काम करना है और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए लोभ लालच में फंस जाते हैं, एक एमएलसी में चले जाते हैं। आप आ जाइए, हम आपको बिहार में मंत्री बना देते हैं, मैं अपने कुर्सी पे बैठा देता हूँ, आप अपनी पार्टी वीआईपी में विलय कर लीजिए और मैं अपने कुर्सी पे बैठा देता हूँ और आप, मैं लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप मंत्री बनाएंगे? हाँ निश्चित तौर पर मंत्री बना देंगे, बिहार में मंत्री बना देंगे उनको, बिहार में लाके और हम वोट क्या करेंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे तो लड़ाई लड़ना, मैं मुंबई से मैं मंत्री बनने के लिए थोड़े आया, मैं उत्तर बिहार आया अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। ये तो एक पड़ाव है कि मैं लड़ाई लड़ते लड़ते आज मंत्री बनाऊँ, मेरा मंत्री से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, मेरा इससे कोई नहीं। समाज का बात जिस रोज हो जाएगा उस रोज मैं ये कुर्सी को, उसके जिस रोज हमारे समाज के बीच में मेरी कुर्सी आएगा उस रोज मैं अपनी कुर्सी को लात मार दूंगा। मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, मुझे समाज से प्यार है। आज मैं बोल रहा ना कि आज बिहार और उत्तर प्रदेश में और कई राज्य में निषाद के लिए मैं शाहरुख खान हूँ और ये इसलिए हूँ क्योंकि उसका बेटा हूँ, उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आज मुझे मंत्री पद मिला है, अगर मेरा साथ अगर निषाद भाई बिहार और उत्तर प्रदेश का रहेगा तो एक नंबर का कुर्सी, बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी भी निषाद को बेटा को मिला। शाहरुख खान है, मैं अपने लोगों के लिए तो शाहरुख खान ही हूँ और आज उसी तरीके से देख लीजिए इन लोगों के लिए आज शाहरुख खान है। में तो आपकी एनडीए में वीआईपी एंट्री हो नहीं पा रही है? नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए किसी का एंट्री का। तो मेरा पहला ही पार्टी लॉन्च हुआ था उसमें एक नारा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो ये सीधा संदेश दिल्ली वाले को दिया। बिहार में क्यों नहीं लागू कर, क्योंकि मंत्री नहीं लागू दिल्ली से होना है क्योंकि केंद्र सरकार एनडीए के आप भी तो पार्टी नहीं, एनडीए बिहार में एनडीए नहीं है, वहां पे नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दिए हैं, वीआईपी पार्टी भी समर्थन दिए हैं और हम पार्टी भी समर्थन देके नीतीश जी के सरकार चल रही है और उनके अंदर में रहकर हम लोग काम कर रहे हैं, कहने के लिए एनडीए हैं लेकिन वहां पे मालिक जो है नीतीश कुमार है और उनका साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं। किसी के लिए राम है, किसी के लिए रहीम है, हमारे लिए फूलन देवी। हाँ क्या है, देखिए फूलन देवी निषाद परिवार से थी और निषाद समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश से बिहार जाके और जय नारायण निषाद कैप्टन साहब को सांसद बनाए और मैं मानता हूं कि मेरे पर भी कर्ज है क्योंकि उन्होंने बिहार में निषाद को जागरूक करने में बहुत बड़ा रोल अदा किए थे। आज उनका विरासत को हमें लेके चलना है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। हम लोग उनको मूर्ति लगाना चाह रहे थे तो मूर्ति लगी नहीं, आप तो लॉकेट बचवाना चाह रहे थे, कैलेंडर बटवाना चाह रहे थे। 15 मार्च के छठ के बाद उस पर कार्यक्रम होगा, पूरे प्रदेश में 50,000 प्रतिमा बन चुका है और हर घर तक फूलन देवी का प्रतिमा पहुंचेगा। योगी जी तो आपको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल, ठीक है उनका मर्जी है, तो ये हमारे समाज समझ रहे हैं ना, ये भी नहीं निकल, ठीक है ये समाज डिसीजन लेंगे। अगर वो तो देखिए वो गाड़ी चलाते चलाते पलट देते हैं तो ठीक है, तो वो उनका अपना काम करने का तरीका है। पलट देते
वो तो गाड़ी चलाते चलते पलटवा देते हैं, तो खैर उनका अपना काम करने का अलग डर लगता है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई यूपी में बिल्कुल ही डर नहीं लगता है, इसलिए हवाई सफर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं गाड़ी पलटी ना हो तो हवा से चल रहे हैं और अच्छी बात इसीलिए हेलीकॉप्टर से उड़ हाँ, तो हमारे पास ये व्यवस्था है तो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। तो फिलहाल हमारे प्रदेश में निशा जागरूक है और आने वाले समय में आप देखिएगा 2022 का निर्णायक होगा, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे तो सीधा स्पष्ट केंद्र सरकार को कह दिया हूँ कि आरक्षण दीजिए तो काम होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। आज भी कुछ लोगों को दिल्ली लखनऊ में बैठा के उनको पढ़ा रहे हैं कि हम ये करेंगे, अरे भैया बिहार में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, क्या अभी लंदन अमेरिका में सरकार बनाना है तब आरक्षण दीजिएगा? अरे भाई अभी आपके पास समय है, आरक्षण लागू कीजिए, फिर चुनाव बीतने के बाद फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, ये नीति के साथ चलते। तो इसलिए हमें लगता है कि मजबूती से समाज जागरूक हो चुका और अभी हिलने वाला नहीं है। आप एक नारा दे रहे हैं कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो नाव वाला क्या है? हाँ, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जो आज हैं वो गोरखपुर बनारस में आके उन्होंने कहा था कि मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा माँ ने हमको बुलाया है, और वहाँ से लोगों ने उसको जिताया, दो दो बार सांसद बनाए, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो मेरा नारा है कि जब चाय वाला अगर बनारस के प्रतिनिधित्व कर सकता है तो एक नाव वाला क्यों नहीं, क्योंकि बड़े संख्या में उस अगल बगल में देखिएगा तो नाव वाला बड़े संख्या में निषाद भाई वहाँ पे है, तो आज़ादी से लेकर आज तक एक भी हमारे नाव वाला वहाँ विधायक तक नहीं बना। तो मेरा इस बार नारा है कि वहाँ पे एक विधायक जो है वो निषाद का बेटा हो और विधायक बनने के बाद लखनऊ में भी आके मंत्री बने और उत्तर प्रदेश को चलाए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को चला रहे हैं उसी तरीके से हमारे नाव वाला है लखनऊ में बैठे, वो हम इस बार हमारा नारा है। प्रधानमंत्री जी को बहुत फॉलो करते हैं, अब वो चाय पे चर्चा करते हैं तो आप माछ पे चर्चा? हाँ निश्चित तौर पे, हम मछुआरा हैं, मछली मारते हैं, हमारे पूर्वज मारते रहे, माछ पे चर्चा क्या है? हम इस बार माछ पे माछ भात खाएंगे और मजबूती से हम लोग अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। लेकिन देखिए बहुत जोश है यहाँ पर, हाँ अयोध्या में, हाँ यहाँ योगी जी बहुत आते हैं, बहुत काम करने वाले हैं और काम करते भी हैं, यहाँ पे पूरी सरकार का केंद्र है, हर लोग अयोध्या ही आ रहे हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों, सब लोग अयोध्या से भी योगी जी आ जाए, उनको भी पता है कि राम जी को नैया पार मला लगाए थे, मछुआरा समाज लगाए, नाभिक लगाए, और उनके मित्र भी गौराज निषाद जी थे, और जब तक मित्र फिर से बनाएंगे नहीं मछुआरा को, जब तक उनके अधिकार की बात नहीं करेंगे तो इस बार नैया पार नहीं लगने वाला है उत्तर प्रदेश में। वो कौन हो सकता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, डुबा देंगे, ये नीति हो सकता है, बट इस बार निषाद अगर पूर्वांचल में अगर साथ नहीं रहा तो योगी जी को दोबारा चुनाव जीतना असंभव है। आप 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे अकेले? हाँ 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और 165 ही लड़ेंगे। गठबंधन कर रहा है कोई आपसे? नहीं, हम करना भी नहीं चाहते हैं, 165 ही लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, ताकि 2024 में हम बता सकते हैं ना कि हमारे पास कितना वोट है, कल जाके लोग क्लेम करेंगे कि मेरा वोट है मेरा वोट है, तो इसलिए हम यहाँ पे लड़ेंगे, एक बार हम दिखाएंगे, फिर 3 साल के बाद फिर चुनाव है ना। विपक्षी हैं ओम प्रकाश राजभर और बाकी लोग कह रहे हैं कि संजय निषाद और मुकेश सहनी ये दोनों अमित शाह के चेले हैं और ये आए हैं वोट काटने के और भाजपा को जिताने। तो ठीक है, देखिए विरोधी अगर मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो अच्छी बात है ना, अमित शाह के चेले, मेरा नोटिस ले रहा है, भाजपा के चेले, ये जो भी लगा है आरोप, ठीक टीम है, जो भी आरोप लगा है तो वो आरोप लगा है, और ये तो कम से कम आरोप तो लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ शक्ति है, ताकत है। जैसे आज बनारस में हमें रोका तो मुझे इस बात से एहसास हुआ कि हमारे पास ताकत है, हमसे डरें तब ना हमें रोके, नहीं तो यूं ही किसी से कैसे किसी को रोक देंगे। तो मुझे ये बात का खुशी है कि लोग हमसे डर रहे हैं और हमारी ताकत को देख रहे हैं।